चलो बोलते चलिए। एक्सरसाइज वन का नंबर बोलते चलो, जिसको जिस किसी भी क्वेश्चन में डाउट है। 27 नाइन नाइन यस सर, और 13 10 10 टेन 13 13 27 23 23 27 और 32 32 एंड 37 37। एक्सरसाइज वन हो गया। यस सर। एक्सरसाइज 35 सर। वन पैर मत लगा देना उधर। 35 एक्सरसाइज टू में फोर्टीन फोर्टीन और टेन टेन सर, क्वेश्चन इलेवन इलेवन टेन इलेवन फोर्टीन और नाइन सर। एक्सरसाइज थ्री और फोर में, एक्सरसाइज थ्री में जो दोनों मैच द फॉलोइंग मैच द कॉलम है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको छोड़ के बोलना। सर एक्सरसाइज थ्री में है ही नहीं मैच कॉलम। फोर में क्वेश्चन फोर फोर में फोर और क्वेश्चन टू 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 और फोर सेवन सेवन एट इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ट्वेल्व सेवन ट्वेल्व थर्टीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एटीन और नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्सटीन और भी है, 20 से ज्यादा भी क्वेश्चन है। सिक्सटीन कौन सा? 16th 60 60 तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। 16 16 आधा से ज्यादा क्वेश्चन क्लास में करा चुका हूँ, जो आधा बच गया है वो पूछ ले रहे हो। कोई नहीं, चलो फटाफट एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर नाइन। अ बॉडी इज A body leaving a certain point O moves with an acceleration which is constant in magnitude and direction. At the end of first second, velocity is 1.5. At the end of sixth second, velocity the body stops momentarily, मतलब velocity zero, and begins to move backward. The distance travelled by the body before it stops momentarily is. पता नहीं क्यों पूछा है, किसने पूछा पहले ये बताओ, बोलो किसने पूछा और क्या किया ये भी बताओ। वैसे ही मैं नहीं बताने वाला, कुछ तो किया होगा ना तब जाके पता चला कि तुम्हें नहीं आया। सर अमन। हाँ क्या पूछा, क्या किया बताओ। सर सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। चलो मैं भी लिख दिया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब सर उसके बाद टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए s इक्वल टू डिस्टेंस कहाँ पहले, अभी तो लिखा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड वेलोसिटी 1.5 हो गया है ना। यस सर। u और a नहीं मालूम। यस सर। तो 1.5 इज इक्वल टू u प्लस a मुझे मिल गया। यस सर। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है? और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? आफ्टर सिक्स सेकेंड्स फाइंड वेलोसिटी बिकम्स जीरो। सिक्स सेकेंड पर भी जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू यू प्लस सिक्स ए, ये दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया।
इन दोनों को सॉल्व कर कर u और a की वैल्यू निकालेंगे। यस सर। निकाल लेंगे तो पूछा है कितना डिस्टेंस चला टिल द मोमेंट बॉडी स्टॉप मोमेंटरीली, मतलब 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला यही पूछा है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे, u और a मालूम है, आ जाएगा आंसर। यस सर। जल्दी आंसर तक पहुंच के बताओ। अरे आंसर जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अ पार्टिकल मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी आई माइनस फोर जे माइनस माइनस या प्लस है प्लस 10 के, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू मुझे मालूम है आई माइनस फोर जे प्लस 10 के, और क्या दिया है एक्सेलरेशन दिया है आई जे माइनस टू के, तो एक्सेलरेशन है आई प्लस जे माइनस टू के कह रहे हैं। पता नहीं क्यों पूछो, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा अब 2 सेकेंड पर, तो u मालूम है a मालूम है t की वैल्यू 2 पुट करनी है। तुम पूछो मेरे से जरा सा सोच के देखो, एक्सेलरेशन i प्लस j माइनस 2 के होल मल्टीप्लाइड विद 2, तो 2 प्लस 1 3 i का है, 2 जा 4 प्लस 4 और माइनस 4 0, 10 और माइनस 4 6 है ऐसा आंसर। बोलो जिसने पूछा था बोलिए। नहीं सर। अच्छा सॉरी सॉरी, वेलोसिटी नहीं पूछा है, पूछा है वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ठीक है वेलोसिटी हो गया डायरेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है ये वेलोसिटी हो गया, जी और के में कहीं कुछ मैंने मिस्टेक किया है, तो देखो आई माइनस फोर जे प्लस 10 के, आई माइनस फोर जे प्लस 10 के एक्सेलरेशन आई प्लस जे माइनस 2 के, तो आई प्लस जे माइनस 2 के, हाँ गलती दिख रही है वैसे मुझे, तो 2 और 1 3 आई कैप माइनस 4 और प्लस 2, माइनस 4 और प्लस 2 माइनस 2 जे कैप प्लस 10 और माइनस 4 प्लस 6 के कैप, तो ये तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर हुआ। मेरे से पूछा है यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी वेक्टर, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है, पढ़ा है ना। यूनिट वेक्टर अलोंग अ वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर,
तो 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4 6 स्क्वायर 36 36 प्लस 4 40 40 प्लस 9 49 49 का रूट इज 7। तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर इज 1/7 3i - 2j + 6k। ऐसा आंसर है। वेलोसिटी वेक्टर नहीं, वेलोसिटी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से कॉपी कर लो इसको। आगे बढ़े। बोलो ना आगे बढ़ूं, हो गया लिखा हुआ? यस सर। 13 अ पार्टिकल टेक्स 30 सेकेंड लेस a particle takes 30 seconds less and acquire a velocity v meter per second more in falling through a certain height at starting from rest on a planet where acceleration due to gravity is 8g when compared with free falling motion on another planet where acceleration due to gravity is 2g। aisa kuch hai to dekho ek planet hai ye wala, इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 2g और यहाँ एक दूसरा प्लेनेट है जिसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 8g। इस हाइट यहां से अगर हम सेम हाइट h से गिराएंगे एक काम करो कि 2g 8g से आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको समझ लो g1 और इसको समझ लो g2। तो g1 की वैल्यू है 2g, g1 की वैल्यू है 2g और g2 की वैल्यू है 8g। ठीक है, तो h हाइट नीचे आने के बाद वेलोसिटी कितनी होती है? बोलो
ओ भाई साहब कुछ तो बोलो, एच हाइट ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेगा, एच हाइट नीचे आने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? अंडर रूट टू जी एच। अंडर रूट टू जी एच, तो अंडर रूट टू जी वन एच ऐसा होगा? यस सर। और इसकी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट टू जी टू एच होगी। ऊपर से नीचे तक आने में टाइम कितना लगता है? एच हाइट ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो एच हाइट नीचे आने में कितना टाइम लगता है? मैंने प्रैक्टिस की रहे थे जो, तो मुझे वाणी एकदम ऑन फिंगर टिप्स रहता है। रूट टू एच बाई जी। अंडर रूट टू एच बाई जी, तो अंडर रूट टू एच अपॉन जी वन, इसमें कितना हो गया? अंडर रूट टू एच अपॉन जी टू। अब क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा है कि दूसरे प्लैनेट में पहले प्लैनेट के रेस्पेक्ट में टी सेकेंड कम लगता है और यू स्पीड ज्यादा होती है, मतलब वी टू माइनस वी वन इसकी वैल्यू यू है और टी वन माइनस टी टू इसकी वैल्यू टी है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है ना, ये बात समझ आता है या नहीं? यस सर। तो अब रिलेशन निकालना है मुझे यू और टी में, जल्दी कोशिश करके बताओ, मैं नहीं बताने वाला। राइट, मेरा क्या है, मैं बता दूंगा, कॉपी कर लोगे उससे अच्छा है। यहाँ तक तो मैं समझा दिया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फटाक से सॉल्व करके बताओ, तो खाली वैल्यू पुट करना है आपको। U, T और G में रिलेशन निकालना है, फटाक से कीजिए। बोलो भाई। सो v इज इक्वल टू 4 gt। यस सर। मैं क्या देख लो आंसर मुझे नहीं पता, हो गया या मुझे बताने की जरूरत है? सर हो गया। जिसने पूछा था पक्का? यस सर। घबराओ नहीं, डरो नहीं, बोलोगे तो मैं कर दूंगा सॉल्व। इसने सही सही बता, हो गया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो सॉल्व कर देता हूँ, जैसा बोलो। सर सॉल्व कर दीजिए सर प्लीज। देखो आ गया, सॉल्व कर दीजिए, एकदम काम नहीं करना चाहता है। जीवन की वैल्यू टू जी यहाँ पुट कर, तो टू टू का टू बाहर, ये हो गया टू अंडर रूट जी एच। जी टू की वैल्यू एट यहाँ पुट कर दो, तो एट टू जा 16, 16 का रूट फोर बाहर, हो गया।
तो v2 माइनस v1 4 माइनस 2 तो ये हो गया मेरा 2 अंडर रूट dx इज u। कोई दिक्कत? नो सर। इसमें g1 की जगह 2g पुट कर दी तो ये कितना हो गया अंडर रूट h बाई जी। इसमें g2 की जगह 1g पुट कर दीजिए तो 2 4 जाए 4 का रूट जाएगा तो बाहर तो 1/2 अंडर रूट h बाई जी। तो t1 माइनस t2 तो अंडर रूट h बाई जी माइनस हाफ अंडर रूट h बाई जी मतलब क्या हो गया हाफ अंडर रूट h बाई जी दिस इज इक्वल टू t। यही हुआ? हाँ सर। तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये 2 ऊपर गया तो 4 रूट जी और रूट जी जी रूट एच और रूट एच कैंसिल हो गया। इधर हो गया u अपॉन t तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो गई 4gt। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 23। हाँ सर समझ आया। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, अल्फा 0 और 90 के बीच में है, विद अ सर्टेन वेलोसिटी ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, देन ड्यूरिंग एसेंट इग्नोरिंग एयर ड्रैग। क्वेश्चन ए, एक्सेलरेशन विद विच द ऑब्जेक्ट मूव्स इज इक्वल एट ऑल पॉइंट। करेक्ट है, हर जगह एक्सेलरेशन माइनस जी जी नीचे की ओर ही होता है। Yes, sir, correct. ठीक है, तो acceleration का direction हमेशा vertically downward है, तो option A correct. Option B, magnitude of acceleration tangential to the path. Wrong है, direction तो fix है नीचे की ओर, जो path parabola जाता है उसके tangent के along तो नहीं है, तो option B wrong. Option C, magnitude of acceleration normal to the path increases. Wrong, constant है, कोई increase decrease नहीं, तो C भी wrong, केवल A correct है. आया समझ में? हाँ सर। 23rd is done. 27th. R is the origin. 23 का D है आंसर। क्या? 23 का D था आंसर पीछे। But an object thrown at angle alpha to with a certain horizontal ground, then during ascent acceleration with which object moves is equal at all points. हाँ, A correct है, बाकी B C D wrong है. Answer सही देख रहा है कि नहीं? Sir, 23 का answer D है. देखो मैं answer देखता हूँ. डाउट है तो आंसर भी ठीक से देख रहा होगा, अभी देखते हैं ना. एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 23. हाँ डी दिया, गलत आंसर है, आंसर विल बी ए ओनली. आंसर विल बी ए ओनली. एक्सेलरेशन विथ विच द ऑब्जेक्ट मूव्स इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स. करेक्ट है, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में. ए करेक्ट है, बी सी डी रॉन्ग है, और इसमें दिया है सब करेक्ट. सर सी मुझे करेक्ट लग रहा है, सी वाला. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द पाथ इंक्रीजेस. Becoming equal to g at highest point. अच्छा अच्छा. B, magnitude of acceleration tangential to the. अच्छा अच्छा, sorry sorry, अभी मैं पढ़ रहा हूँ. नहीं नहीं सारे A तो सही है, B C D भी सही हो, B और C भी सही हो सकता है. Sorry,
मेरे सामने स्क्रीन उधर है, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन मैं दूर से पढ़ लिया था, इस टेंजेंशियल ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन टेंजेंशियल टू द पाथ डिक्रीजेस। अच्छा अच्छा, मतलब ये है इसका, सुनो सुनो, देखा नहीं मैंने, मैं सोचा टेंजेंशियल नॉर्मल खाली होता है, तो जी तो हमेशा नीचे रहेगा, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब ये हुआ है ना, तो जी ये जो भी एंगल होगा थीटा, इसका कंपोनेंट इधर की ओर जी कॉस थीटा होगा, और जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा उधर की ओर कंपोनेंट जी साइन थीटा होगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये थीटा इंक्रीज करता जाएगा, आया ना? Yes, sir. जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये टेंजेंट ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, तो थीटा इंक्रीज करता जाएगा, तो थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा और कॉस थीटा डिक्रीज करेगा। Yes, sir. तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा मतलब अलोंग टेंजेंट वाला कंपोनेंट डिक्रीज करेगा, अलोंग नॉर्मल वाला कंपोनेंट इंक्रीज करेगा। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है, मैं खाली मतलब कंपोनेंट वर्ड नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन टेंजेंशियल टू द पाथ डिक्रीजेस, करेक्ट है? जी कॉस थीटा वाला टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया एक्सीलरेशन का, और डी सा जी साइन थीटा वाला नॉर्मल कंपोनेंट हो गया एक्सीलरेशन का। आया समझ में? ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, चमका सबको? यस सर। मैं दूर से, मुझे लगा खाली डायरेक्शन बोल रहा है कि जाते वक्त टेंजेंशियल है फिर नॉर्मल है, तो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा था मैं। तो 23rd इज डन, नेक्स्ट इज 27। आर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद सर्टेन स्पीड एट अ सर्टेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड एच इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय, ठीक है, देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दैट कैन बी अटेंड बाय द सेम। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर बाय, ओ भाई साहब, मैक्सिमम रेंज क्या होता, कितना होता है? 2 ux u y by g। अरे मैक्सिमम कितना होता है? यू स्क्वायर बाय जी। और आर और एच का फॉर्मूला मालूम है, रेंज और हाइट का फॉर्मूला मालूम है? यस सर। यस सर। तो हम लोग वैल्यू पुट करके देख लेंगे किसमें मुझे यू स्क्वायर बाई जी आता है, वही आंसर होगा, ठीक है? अब देखो, हाइट तो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, हाइट होता है 2g। एच का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यस सर। तो 2h तो आंसर नहीं ही होगा, नहीं होगा ना? हाँ सर। तो ऑप्शन ए गया। आर में भी थीटा का टर्म होता है तो 2r भी आंसर, अच्छा 2r तो है ही नहीं, तो 2h चला गया। अब बाकी जो आंसर है सब में देखोगे तो आर स्क्वायर बाई, अब बी और डी आंसर को देखते हैं, तो बी और डी में फर्क क्या है? आर स्क्वायर बाई 8h है और आर स्क्वायर बाई 8h प्लस 2h है, यही कहानी है। तो एक बार आर स्क्वायर अपॉन 8h की वैल्यू निकाल के देखो तो कितना आता है? आर स्क्वायर अपॉन 8h की वैल्यू कितनी होती है? R और H की वैल्यू मालूम है, फॉर्मूला में पुट करके बताइए कितना होगा? U square cos square theta divide by G. और 2H कितना आया था? Quarts per liter. 2H कितना मिला था? तो दोनों को ऐड करेंगे तो U square by G हो गया? Yes sir. है ना? तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है सबको? यस सर।
नेक्स्ट 32 32 Question number 32. A projectile is thrown with velocity 20 meter per second at an angle 60 degree with horizontal. After how much time will the velocity vector make an angle 45 degree with horizontal? Class में ही कराया होगा ये तो मुझे लगता है. Projectile के first lecture में ऐसा सम कराया था. कोई नहीं. सिक्सटी डिग्री से थ्रो किया तो स्पीड यू, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये वैल्यू मेरा हो गया यू कॉस 60, दैट इज यू बाई टू, और ये हो गया यू साइन 60, दैट इज रूट 3 यू बाई टू. बोला है कि ये एंगल वेलोसिटी वेक्टर का 60 से 45 कब हो जाएगा, तो मान लो यहाँ पर हो गया, तो ये एंगल 45 हो गया. एक्स कंपोनेंट चेंज होता नहीं है तो ये u बाई टू ही रहेगा. वाई कंपोनेंट चेंज हो सकता है तो मान लो ये v बाई हो गया. तो अगर रिजल्टेंट 45 डिग्री है मतलब दोनों इक्वल है, मतलब v बाई इज आल्सो u बाई टू. v बाई क्या होगा, u वाई प्लस ए वाई इंटू टी, दिस इज u बाई टू. u वाई कितना है, रूट थ्री u बाई टू, तो रूट थ्री u बाई टू माइनस जी इंटू टी इज यू बाई टू. इसको इधर ले जाओ, यू बाई टू कॉमन, रूट थ्री माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जी इंटू टी. टाइम ही पूछा है ना, टाइम पूछा है, तो यहाँ पर टाइम टी क्या हो जाएगा, यू इंटू अंडर रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू जी. यू का वैल्यू कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो 2g और 2 कैंसिल हो गया, 20 20, रूट 3 माइनस 1 सेकेंड है आंसर. बोलो. यस सर. क्वेश्चन नंबर 37. Question number 37. A projectile is launched from the ground level with a speed u at an angle theta with the horizontal. What is its average velocity between two instant that it crosses half the maximum height? तो देखो, projectile ऐसे गया, half the maximum height, यहाँ पर और हाफ द मैक्सिमम हाइट यहाँ पर, तो ये भी h बाई टू है और ये भी h बाई टू है. तो हमसे पूछा है इसके बीच में क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी ना शायद, कौन सा क्वेश्चन था, नंबर 37. व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टू इंस्टेंट, ठीक है, तो मुझे इसके बीच एवरेज वेलोसिटी चाहिए. तो देखो, यहां पर इसकी स्पीड यू एक्स और यहां पर इसकी स्पीड यू एक्स सेम होगी, होगी ना,
बोलो। हाँ सर। यहाँ पर इसकी स्पीड जो भी होगी वाई में, यहाँ पर उतनी ही वाई में नीचे होगी, है ना? बोलिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं यहां से यहां तक देखूं तो ये एक छोटा प्रोजेक्टाइल हो गया। मुझे पूरा देखने की क्या जरूरत है? छोटा प्रोजेक्टाइल हो गया। इस u की वैल्यू u cos थीटा था। हाँ, इस vy की वैल्यू मुझे नहीं पता, इस vy की वैल्यू मुझे नहीं पता, यही मतलब है। बट ये तो u cos थीटा होगा, ये पता है मुझे, आया ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से यहां तक छोटे प्रोजेक्टाइल का रेंज, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस छोटे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? इस छोटे प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या हो जाएगा? तो 2 × ux × vy / g। रेंज का यही फॉर्मूला है। बोलो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। और टाइम ऑफ फ्लाइट 2 × vy / g। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 2 × vy / g कैंसिल हो गया, तो ux बच गया। दिस ux इज नथिंग बट u cos थीटा। यही आंसर होगा शायद। यस सर। है ना? कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आ गया देखते हैं। इरेज करूं? यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 A motorist is traveling at 54 km per hour when he observes a traffic signal at a distance 280 meter ahead running red at a time t is equal to 0. He decides to deaccelerate then accelerate by the same magnitude so as to pass through a signal at 54 km per hour at 28 seconds. So option magnitude of deacceleration और मिनिमम स्पीड पूछा है. क्वेश्चन समझ आया है? एक आदमी बाइक से जा रहा था, उसको रेड सिग्नल दिखाई दिया, तो वो अपने स्पीड को ब्रेक को मारा, तो धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज किया और फिर एक्सेलरेटर दबाया तो फिर स्पीड इंक्रीज किया, सच दैट इस दोनों मोमेंट पर उसकी स्पीड इक्वल थी जब सिग्नल को पास किया और वो इक्वल स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर, है ना. इस पूरे प्रोसेस में इसको 28 सेकेंड लगा और एक्सीलरेशन रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये टाइम 14 सेकेंड होगा और ये स्पीड मिनिमम स्पीड होगी, है ना. ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ऐसा. यस सर. सोच के बताओ होगा. यस सर. तो ये अगर होगा तो इस पूरे प्रोसेस में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कितना किया? टू एट्टी मीटर. तो ये पूरा एरिया अंडर कर यहां से लेकर यहां तक ये 280 के बराबर होगा. हाँ सर. तो यहां से वी मिनिमम मिलेगा. यस सर. ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो ये पूरा एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओएबीसी होगा. तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी इज 280. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी इज 140. ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना होगा? 15 मीटर पर सेकंड. 15 मीटर पर सेकंड. तो ये हो गया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 15 प्लस वी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 14 सेकंड. दिस इज 140. तो ये हो गया 10. तो 15 प्लस वी मिनिमम ये हो गया 20. तो वी मिनिमम ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड. आया समझ में? तो मिनिमम स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड और डी एक्सेलरेशन निकाल लो, इनिशियल स्पीड 15, फाइनल स्पीड 5, टाइम टेकन इज 14 सेकेंड, तो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. यस सर. यस सर. बताते देखिए सर. 5/7. वेरी गुड.
आगे बढ़े यस सर क्वेश्चन नंबर 11 अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कवर डिस्टेंस बिटवीन 2.80 मीटर अपार्ट इन 10 सेकेंड its velocity as it passed the second point is 18 meter per second to isme kya hai v equal to u plus at sir sir option c keh raha hai ki correct hai but samajh mein nahi aaya nahi samajh aaya abhi check kar dete hain cover a distance between 2.80 meter apart in 10 seconds theek hai dekho to displacement ho gaya 80 meter ho gaya time ho gaya 10 seconds v यू मालूम नहीं और वी दिया है क्या हाँ वी 18 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो देखो Eighteen is equal to u plus 10a. हो गया सर? Yes sir. And s is equal to ut. That is 10u plus half a t square. That is 10 का square. So 80 is equal to 10u. प्लस 50a हो गया ऐसा यस सर तो 8 इज इक्वल टू यू प्लस 5a मिल गया इन दोनों इक्वेशन से u और a की वैल्यू मिलेगी यस सर तो u प्लस 5a 8 है तो u मिल गया 10 मुझे शायद U मिल गया मुझे 10 मीटर पर सेकेंड हाँ या ना बोलो इन दोनों को सॉल्व करना और कुछ नहीं तो U 10 मिल गया तो A मिल गया -2/5 इन दोनों को सॉल्व करके U और A की वैल्यू मिली सर ए इक्वल्स टू टू आ रहा है टू आ रहा है यू टेन है तो एट माइनस टेन और यहाँ फाइव है ना टू कैसे है कुछ गलत लिखा है क्या मैंने 18 मिनट सर सॉल्व भी कर दिया उन्हें पहले तो क्या सर अगर पहले ए के लिए सॉल्व करेंगे तो टू आ रहा है नंबर कौन सा है हां यस सर टू आ गया सर हां हां आ जाएगा कल इक्वेशन सॉल्व करना कोई काम थोड़े ना है क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 था सामने वो मिट गया ये दोनों इक्वेशन सही है यस सर दोनों इक्वेशन सही है तो यू और ए की वैल्यू कितनी होगी देखिए U10 तो A कितना हो गया 18 माइनस 10 8 कुछ तो गलत यानी कि ये दोनों इक्वेशन में कुछ गलती होगी फिर सर नहीं सर इक्वेशन बराबर है सर सर मैंने क्या किया पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया A का वैल्यू 2 आ गया सर उस हां तो A 2 आ जाएगा कर लो मैंने इक्वेशन सॉल्व करना कोई था हां तो सर ए कितना है और यू कितना है बता दो
सर ए टू है हाँ ए टू मैं ये गलत लिख रहा दिख गया मुझे ए टू आ गया तुम्हारा और यू आ गया फाइव टू जा टेन माइनस टू तो यू माइनस टू मीटर पर सेकेंड और ए टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यू और ए मिल गया हाँ सर तो ऑप्शन अब देखो तो ऑप्शन ए करेक्ट है ऑप्शन बी करेक्ट है ऑप्शन सी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस 10 सेकेंड तो इस 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया sir, तो कॉमन सब चुप कॉमन सेंस से देखो यहां से शुरू किया और यहां पहुंचा तक तो यहां पर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है माइनस टू का मतलब और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है मीन्स ये इधर से इधर गया होगा फिर इधर गया होगा उसमें से ये डिस्टेंस 80 मीटर है ये डिस्टेंस अगर मिल गया तो उसको ऐड कर देंगे हाँ या ना हाँ सर समझ आया तो देखो इनिशियल वेलोसिटी 2 इधर और एक्सीलरेशन 2 इधर तो रेस्ट पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax से ये डिस्टेंस 1 मीटर हुआ तो ये 1 मीटर फिर 1 मीटर 112 और फिर 80 मीटर 82 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया चमका कुछ कि नहीं इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब है कुछ दूर पीछे जाएगा फिर रुकेगा फिर आगे जाएगा यही कहानी होगी ना यस सर मिला आंसर सबको Understood, sir. ठीक है, okay. Erase करो. Yes, sir. Next question number 14. Question number 14. A bomber diving at an angle 53 degree with the vertical releases the bomb at an altitude 2400 feet. The bomb hit the ground 5 seconds after being released. So speed of bomber, horizontal distance, horizontal component of velocity, vertical component of velocity. ये सब कहानी है, ठीक है. Diving at an angle 53 degree with the vertical. So, यहां से bomb release हुआ with a speed u और ये angle है 53 degree पर 53 degree with vertical. तो ये यहां से यहां जाएगा और यहां कहीं hit करेगा तो ये distance मेरा range हो गया अब अगर देखो ये स्पीड u है
तो ये हो जाएगा u sin 53 दैट इज 4 by 5 u और ये हो जाएगा u cos 53 डिग्री दैट इज 4 by 5 u सॉरी 3 by 5 u. यहां पर जब हिट करेगा तो ये वैल्यू यही रहेगी 4 by 5 u, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये वाला चेंज हो जाएगा. तो ये वाला चेंज होके कितना होगा v equal to u plus 80. तो y में 3 u by 5 पहले है, इसमें नीचे के डायरेक्शन में g into t और ऐड हो जाएगा. यही कहानी है टोटल, है ना? बोलो. इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड लगा दिया है क्वेश्चन में. बोलो. yes, ना बोलो. 5 सेकेंड लगा. तो -2400 इज इक्वल टू -3u/5t -½gt. सब फीट में है तो सारा यूनिट हम लोग फीट में ही लेंगे. तो ये हो गया 2400 इज इक्वल टू 3u/5 × 5 -½g 32t मतलब 5 स्क्वायर. तो ये हो गया मेरा 3u माइनस 16 × 25. तो 3u अच्छा माइनस नहीं प्लस, सब माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया ना, तीनों माइनस है. तो 3u इज इक्वल टू 2400 माइनस 16 × 25. 16 × 25 कितना होगा? 400. तो ये हो गया 2000. तो u की वैल्यू मुझे मिल गई 2000/3 ft/s. मिल गई. अब ये जो रेंज है, रेंज हॉरिजेंटल वर्टिकल स्पीड यही सब. तो u पूछा है तो u हो गया 2000/3 मतलब 67. तो ए आंसर करेक्ट हो गया. बोलो. हाँ सर. दूसरा में आर पूछा है तो आर क्या हो जाएगा 4/5u × t. टी का वैल्यू 5 सेकेंड मतलब 4u के बराबर मतलब 8000/3 ft के बराबर होगा. तो देखो 8000/3 2667 होगा. हाँ सर. है ना? तो आंसर बी भी करेक्ट हो गया. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 4u/5. यू का वैल्यू पुट सब हो जाएगा. अब बोलो सारे हो जाएंगे. Yes, सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लो, एबीसीडी में से कौन कौन सा ऑप्शन मैच करता है कौन कौन नहीं करता है.
आगे बढ़ूं, इरेज करूं? बोलिए। यस सर। बोलिए जल्दी। यस सर। चलिए एक्सरसाइज फोर। Exercise 4, question number 2. A particle starts from a point A with initial velocity 10 meter per second, moves along a straight line with constant acceleration. At an instant, the particle at a velocity 50 meter per second, the direction of its acceleration gets reversed. So, ठीक है. Reverse. Magnitude of acceleration remaining the same. Find the velocity of the particle when it reaches to point A again. तो ठीक है, तो मान लो यहां से शुरू किया, इसके पास velocity initial u है कुछ और acceleration कुछ इधर है, और यहां से आगे चलता शुरू किया, ये point A है, यहां से आगे चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन कुछ लिखा है नहीं, तो जाते जाते यहां पर इसके पास वेलोसिटी हो गया 50 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट के बियॉन्ड इसके पास एक्सेलरेशन उतना ही बट इधर हो गया ए, तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, यहां पर कहीं रुकेगा, फिर वापस ऐसे आएगा, एक्सेलरेशन इधर ही है, डायग्राम नीचे बनाता हूं, फिर वापस ऐसे आएगा और फिर यहां पर पहुंचेगा, यही कहानी है, तो पूछा यहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, नहीं यहां पर इसकी वेलोसिटी पूछा है, वही ना, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट का नाम दे दो सी, सी पर वेलोसिटी जीरो होगी, तो पहले ए टू बी की कहानी कर लेते हैं, ए टू बी की कहानी कर लेंगे, तो वी 50, यू 10 और ये ए, तो ए टू बी का जो डिस्टेंस ए बी होगा वो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, जैसा कह लो टाइम वर्म नहीं दिया है ना, नहीं दिया, ठीक है, तो ए से बी तक में देखो वेलोसिटी है, एक ही बार ऐसे लिख देता हूं, एकदम सिंपल, वेलोसिटी एट बी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एट ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू एस, ऐसा होगा, होगा बोलो, यस, तो ये एस जो है वो एस क्या है, इस डिस्टेंस को मैंने एस कहा, तो वी बी है 50, तो 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, तो 50 स्क्वायर कितना हो गया 2500, 2500 माइनस 100 2400, तो 2400 इज इक्वल टू 2 एएस, रहने दो, अब जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनने लायक बात है, अब बी से लेकर बी ऐसे गया और ऐसे वापस आया, तो बी सी इसको डी कह देते हैं,
मैं जो कह रहा हूँ यहाँ ध्यान से सुनना आप, तो बी टू डी के लिए एक ही बार देखेंगे कौन सा मोशन, तो बी से सी गया और सी से डी गया, तो इस पूरे मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस 50 है ना? हाँ सर। एक्सीलरेशन ए, इस इधर का जो एक्सीलरेशन था उसी का माइनस साइन आया ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट था उसी का माइनस साइन, और वेलोसिटी एट डी कितना होगा ये पूछा है, डी मतलब यही पॉइंट है रिटर्न होते वक्त, तो क्या दिया है और क्या पूछा है समझ आया? तो इसमें लिखेंगे वी डी स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस टू ए मतलब माइनस ए, एस मतलब माइनस एस, तो दिख रहा है वी डी स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो 2as की वैल्यू 2400 मुझे मालूम है, bb स्क्वायर 50 स्क्वायर मालूम है, तो दोनों मिला के 4900 हो गया, तो स्पीड एट d 70 मीटर पर सेकेंड हो गया। आंसर आया समझ में? समझ के एक बार लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। इरेज करूं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी, तो ये एक रेक्टेंगल है, ए कहाँ है यहाँ, ए बी सी डी, और डी सी और डी का मिड पॉइंट है ई, तो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है,
if the time taken to reach point E, where E is the midpoint of DC, is 0.5 seconds, then find average speed, average velocity of the particle between A and E. और distance दिया है 5 और 4 है, ये 5 meter है शायद और ये 4 meter है शायद, है ना? बोलो. Yes sir. तो A से E तक जाने में distance कितना हुआ? 5 plus 4 9 9 plus 2.5 होगा. That is 11.5 seconds. ऐसा होगा? ये distance होगा? Sir, 11.5 meters. Sorry, meters. 11.5 meters होगा. और time कितना है? Time कितना लगा? बोलो. 0.5 seconds. 0.5. तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो 11.5 अपॉन 0.5 दैट इज 23 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई. एक आंसर ये हो गया. हो गया? बोलो. यस सर. दूसरे में वेलोसिटी पूछा है. तो ए से ई तक डायरेक्ट अगर हम लाइन ज्वाइन कर देंगे तो ये जो रेड लाइन बना, इस रेड लाइन का जो लेंथ होगा दैट लेंथ डिवाइडेड बाय 0.5 एवरेज वेलोसिटी होगा. बोलो. यस सर. तो ए टू ई का लेंथ निकाल सकते हो? यस सर. कैसे निकालते बताओ. तो एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी होगा, ये एवरेज वेलोसिटी होगा ए टू ई का लेंथ डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज ट्वाइस ऑफ ए टू ई का लेंथ, दिस मच मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर होगा. ज्योमेट्री से ए टू ई का लेंथ निकाल के बताओ मुझे आगे आंसर. सर AE equals to square root of 41 divided by 2. जो भी आ जाए मुझे नहीं पता. आंसर आया कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, बताओ मुझे. सर लेकिन आंसर्स मैच नहीं कर रहे. तो इसका मतलब गलत निकाला होगा. अभी देखते हैं. सबको ट्राई करने दो.
किसी को नहीं आया आंसर बट देख इधर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेगा तो ये भी फोर होगा और ये फाइव का आधा 2.5 होगा तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर ऐसा होगा बोलो यस सर तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25 अब ये सब एडिशन सिखाऊं तो 16 प्लस 6.25 कितना होगा 22.25 22.25 का रूट होगा तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 22.5 इंटू 2 ऐसा होगा अब मान लो ये निकालने में दिक्कत होती है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं अंडर रूट 45 बाई 2 लिख सकता हूं यस तो ये रूट 2 ऊपर गया तो ये अंडर रूट 90 लिख सकता हूं तो 3√10 लिख सकता हूं ऐसा कुछ है आंसर नो सर क्या है आंसर लोगों मैं ही देख लेता हूं क्या है आंसर कौन सा क्वेश्चन था नंबर 4 एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 4 10 मिनट ए का 26 आया आंसर सर 23 आ रहा है 23 आ रहा है ओह और वो मैंने 5-4 सही लिखा है एक बार डायग्राम देख लो मेरा तो दूर स्क्रीन था दिख नहीं रहा था अभी एक बार देखता हूँ वो जो लेंथ लिखा है सही लिखा है 5 मीटर एंड 4 मीटर नहीं नहीं सुनो 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 दिख गया मुझे इसको जूम आउट करो हो गया दिख गया मुझे इसको ये जो डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है ना 5 आ गया डायग्राम को थोड़ा बड़ा करो तो शायद वो 6 मीटर है ठीक है वो जो डायग्राम में 5 दिख रहा है ना वो 5 नहीं 6 है ठीक है जो डायग्राम में 5 दिख रहा है वो 5 नहीं 6 है ठीक है जो डायग्राम में यहाँ 5 दिख रहा है ये 5 नहीं 6 है ये 5 नहीं ये 6 है तो 6 प्लस 4 10 10 प्लस 3 13 ठीक है 10 प्लस 3 13 तो ये हो गया 13/0.5 26 ठीक है पहले ही ये वाला आंसर 26 बताया था तो मैं चेंज कर दिया ये 26 अब ऊपर आ जाओ तो ये 4 है ये 6 का आधा 3 हो गया तो ये 3/4 तो ये 5 हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में है ना भाई यस सर यस सर तो ये 5 × 5 = 10 तो ये 5 × 2 = 10 सीधा हो गया तो वो जो 5 दिख रहा है 5 नहीं वो 6 है बड़ा करके देखो मैंने डेस्कटॉप पे देखा वो 6 है आया समझ में आगे बढ़े यस सर पेन से उस 5 को 6 कर लो वो 5 का जो गोल बना हुआ है ना वहीं पे देखो कि कटा हुआ है वहीं से मुझे दिखा कि वहां पे तो झोल है वो 6 है
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन. From the foot of a tower 90 meter high, a stone is thrown vertically upward with velocity 30 root 2 meter per second. 2 seconds later, another stone is dropped from the top of a tower. This stone collides with the first stone after a certain time interval. Find when and where. Oh, achha, theek hai. Question number seven. तो ये एक टावर है, इसमें यहां से बॉटम पहले फुट से फेंका है ना. फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर 90 मीटर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड 30 root 2. तो यहां से 30 root 2 meter per second से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया, तो ये हो गया मेरा 30 root 2 meter per second. और ये टावर की हाइट है 90 meter. कह रहा है 2 second के बाद एक दूसरे स्टोन को ऊपर से जस्ट ड्रॉप किया, ठीक है. तो दूसरे स्टोन को ऊपर से जस्ट ड्रॉप किया, तो ये नीचे ऐसे आएगा, ये ऊपर कहीं ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा कुछ है. तो मान लेते हैं, ध्यान से सुनो, फर्स्ट स्टोन के या सेकेंड स्टोन से ठीक, यह है फर्स्ट स्टोन और यह है सेकेंड स्टोन. तो सेकेंड स्टोन से टी टाइम के बाद ये दोनों मिलते हैं, सेकेंड स्टोन से टी टाइम के बाद. तो फर्स्ट वाला स्टोन टी प्लस 2 टाइम चलेगा, और अगर फर्स्ट से लेना है तो सेकेंड वाला स्टोन टी माइनस 2 टाइम चलेगा, जो बोलोगे बता दूंगा. तो क्वेश्चन में लिखा है ना, फाइंड व्हेन एंड वेयर डू दे मीट. तो व्हेन का आंसर फर्स्ट स्टोन से दिया है या सेकेंड स्टोन से दिया है, देखो वहीं से ले लेंगे. टू स्टोन मीट्स बोला है क्या? टू स्टोन मीट्स बोला है, पर्टिकुलर नहीं दिया है. अरे टाइम दिया ना, क्वेश्चन ने पूछा फाइंड व्हेन एंड वेयर, व्हेन मतलब कब, तो टाइम दिया होगा ना. चलो जो भी, यहां से स्टार्ट करो. ये मेरा t इज इक्वल टू 0 है, ये मेरा t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स है, तो t टाइम पे मीट करता है. तो t टाइम में ये ऊपर कितना जाएगा, 30 root 2 t minus half gt square, और t माइनस 2 टाइम में ये कितना नीचे आएगा, तो प्लस हाफ जी टी माइनस 2 स्क्वायर. इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, होना चाहिए. तो g का वैल्यू 10 पुट कर दो, तो g का वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो 30 root 2 t minus 5 t square प्लस 5 t माइनस 2 का स्क्वायर इज 90, यही टाइम चाहिए. तो 30 root 2 t minus 5 t square प्लस t स्क्वायर, तो ये हो गया 5 t square. 2 2 जा 4 4 5 जा 20 माइनस 4 into 5 minus 20 t, दिस इज इक्वल टू 90. तो ये 5 t square कैंसिल हुआ. समझ में आया कैसे किया, होल स्क्वायर करके एक्सपेंड किया क्या, और कुछ नहीं. बोलो, तो ये है 30 root 2 t और ये है 20 t. तो दोनों का डिफरेंस हो गया t कॉमन, 30 root 2 minus 20. इधर ये 90, ये 20, तो 90 minus 20 70. तो टाइम t की वैल्यू हो गई 70 upon 30 root 2 minus 20. 10 हटा के सब में से हटा दो, तो 7 upon 3 root 2 minus 2 seconds. टाइम का आंसर क्या दिया, देखो तो एक बार. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 4 7, 3.12 second, 3.12 second एंड 6.3 meter फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. तो देखो ये 3.12 आता है क्या,
देखो ये कितना आता है, मैं ही कर दूं, रूट टू 1.414, तो 3 × 1.4 4.2 2.2, so 7 upon 2.2, that is 70 upon 22, that is 3.18 आ जाएगा, 3 point something, yes sir. और डिस्टेंस भी मिल जाएगा टॉप से कितना मिलेगा, टॉप से हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी माइनस टू का स्क्वायर, तो ये जो टी आया उसमें टी माइनस आया, समझ में? हाँ सर. सेवेंथ इज डन. एट्थ, फ्रॉम एन एलिवेट, इसको कॉपी कर लो. सब सिंपल सिंपल प्रॉब्लम पूछ रहे हो, एट तो और आसान है. खैर ठीक है, चलो जल्दी कॉपी करो फिर बताता हूँ. इरेज करूं? रेस करूं? यस सर. Question number 8. From an elevated point A, a stone is projected vertically upward. In the course of its motion, velocity of a stone at a distance h below A is double the velocity at the height h above A. So that greatest height attained by the stone above point A is as follows. ठीक. इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओरली कर सकते.
यहां से थ्रोपिया मान लेते हैं यूएस स्पीड से, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा, यही कहानी है। तो कहता है कि यहां से एच हाइट ऊपर, हमने नीला है, यहां से एच हाइट ऊपर, यहां पर इसकी स्पीड जितनी थी और यहां से एच हाइट नीचे, यहां पर स्पीड की डबल है, मतलब यहां पर स्पीड अगर बी है, ये नहीं भाई इधर भी सुन रहा है, इसकी आवाज आ रही है, नीला एंगल के मतलब यहाँ पर अगर इस पॉइंट को ए कह दो, इस पॉइंट को बी कह दो और इस पॉइंट को सी कह दो, तो पॉइंट बी पर अगर स्पीड वी है तो पॉइंट सी पर स्पीड टू भी है, आया ना, मतलब है ना, बोलो। हाँ सर। और हम लोगों को जो ढूंढना है वो ये एच ढूंढना है, और ये एच के फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, यू स्क्वायर बाय टू जी होगा, मतलब यू मिल गया तो मेरा काम चलेगा, बोलो। तो ए और बी के बीच अगर लिखोगे काइनेमेटिक इक्वेशन, ध्यान से देख, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू इंटू जी इंटू एच, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। ए और सी के बीच अगर लिखेंगे तो सी पर स्पीड टू वी, तो टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, एक्सिलरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस है, दोनों माइनस है तो हो गया प्लस टू जी एच, हो गया। बोलो। अब 102 को सॉल्व कर दो तो 4 इंटू वी स्क्वायर, यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो 4 यू स्क्वायर 3 यू स्क्वायर माइनस 8 जी एच प्लस 2 इधर हो जाएगा, तो 10 जी एच, तो एच मुझे यू स्क्वायर की वैल्यू, तो यू स्क्वायर कितना हो गया 10 जी एच बाई 3 यू स्क्वायर मिल गया। इस यू स्क्वायर को यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एच मिल गया, यही चाहिए था, यू स्क्वायर बाई 2 जी, तो यू स्क्वायर बाई 2 जी करोगे तो 2 5 10 जी जी गया 5 8 3 आंसर है, बोलिए। यस सर। नेक्स्ट बोलिए, क्वेश्चन नंबर कॉपी कर लीजिए इसको, फिर 11 पे आते हैं।
इरेज करूं, हो गया? इरेज करूं, हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A particle projected vertically upward from top of a tower with certain speed strike the ground in 9 seconds. The same particle is thrown vertically downward from top of the same tower with same speed as before strike ground in 4. क्यों पूछ रहे हो बेटा? बाप रे, इससे जल्दी क्वेश्चन क्या हो सकता है? नहीं यार, तुम लोग कुछ नहीं करते हो, मैं समझ गया। इतने असाइनमेंट दिए सर में, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन न जाने कितनी बार कराया हो। डायरेक्टली केस वन, केस टू, केस थ्री का केस वन है, केस टू है। ये टावर जिसकी हाइट एच है, यहां से यू स्पीड से एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, ये ऊपर से नीचे आया, इस प्रोसेस में टाइम 9 सेकेंड लगा। 9 सेकेंड ही दिया है ना? कौन सा क्वेश्चन है? 9 सेकेंड। हाँ सर, 9 सेकेंड ही। दूसरी बार इसी टावर पर इसी हाइट एच से उस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर थ्रो किया उसी स्पीड यू से, अब बोलता है टाइम 4 सेकेंड लगा। तो हम लोगों को ये यू और एच निकालना है। तो पहले इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज माइनस एच इज इक्वल टू 9 u माइनस 9 स्क्वायर 81 इंटू 5 जो भी होगा, ये 81 इंटू 5 ऐसा होगा। तो एच मेरा माइनस 9 u प्लस 405, ये h की वैल्यू मिल गई, एक इक्वेशन हो गया। इसकी कहानी में डिस्प्लेसमेंट माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी माइनस u, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करो तो माइनस h इज इक्वल टू माइनस 4 u माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर 16। तो हो गया h इज इक्वल टू 4 u प्लस 80। दो इक्वेशन, दो अननोन एच और यू, यही पूछा है ना? बोलो।
लिखो और देखो आंसर आया कि नहीं। सर हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछो, 12th रिलीज करो इसको। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 12। A particle is projected from horizontal ground with a speed 20 meter per second at certain angles with horizontal so that it just clears two vertical walls of equal height 10 meter which are at horizontal distance 20 meter from each other. Find the time taken by particle to pass between the two walls. Okay. एक projectile को ऐसे throw किया तो ये ऐसे गया। अब दो वॉल है जिसकी हाइट 10-10 मीटर की है, तो एक वॉल यहाँ पर हो गया 10 मीटर हाइट का, और एक और ये वॉल है, ये भी है 10 मीटर का। इन दोनों के बीच का गैप है 20 मीटर, ठीक है। और 20 मीटर ही है ना दोनों के बीच का डिस्टेंस। हाँ, और इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ये भी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, यही पूछा है। क्या पूछा है ये समझ आया? यस सर। हाँ सर, आपसे पूछा है ये वाले पोर्शन में यहां से यहां तक ये वाले पोर्शन में टाइम कितना लगेगा, यही पूछा है, ठीक है। तो यहां पर ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये तो होगा 20 cos थीटा, तो यहां पर भी ये वाली वेलोसिटी तो होगी 20 cos थीटा है, ये वाली वेलोसिटी होगी 20 sin थीटा। यहां पर कुछ और होगी, क्या होगी मुझे नहीं पता, मान लो वी वाई है, तो ये वी वाई है और ये वी एक्स है। तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा, इसको एक छोटा प्रोजेक्टाइल कंसीडर करोगे, ध्यान से समझो, तो इस छोटे प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वही हमारा आंसर होगा, होगा yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? Yes, Vy upon g, मतलब Vy मिल गया तो हमारा काम चलेगा, चलेगा? Yes, sir. अच्छा, दिया क्या है, ये रेंज 20 मीटर है, ये दिया हुआ है, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होता है, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, है ना? तो yes, ये रेंज है 20 मीटर, तो ये हो गया 20, ये हो गया 2, ये जो 2 यू वाई अपॉन जी है यही टाइम ऑफ फ्लाइट है, समझे नहीं? 2 इंटू यू वाई अपॉन जी यही टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बचा, तो 2 इंटू वी एक्स इंटू वी वाई अपॉन जी विच इज 10, ये मुझे मालूम है,
तो ये हो गया 10, मतलब vx into vy ये है 100, ये मुझे मालूम है, तो vy मिल गया तो हमारा काम चलेगा। तो एक और इक्वेशन अगर मिल जाए vx vy में तो चलेगा हमारा काम, बोलो। यस सर। तो अब क्या करो, बहुत तरीका है, एक तरीका ये मान लेते हैं इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, तो ए और बी के बीच वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू ए वाई इंटू एस वाई, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। तो यू वाई इज, यू वाई का मतलब हो गया 20 साइन थीटा, है ना, यू वाई का मतलब 20 साइन थीटा हुआ ना? यस सर। और थीटा मुझे मालूम है नहीं, चलो रहने देते हैं फिर भी, तो यू वाई का मतलब हो गया 20 साइन थीटा। अभी यू वाई रहते, यू वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू 10, और एस वाई मेरा हो गया कितना 10, तो ये हो गया यू वाई स्क्वायर माइनस 200 इज वी वाई स्क्वायर, ऐसा हो गया ना? अब फिर यू वाई चाहिए, और यू वाई के लिए थीटा चाहिए, थीटा मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, दो मिनट वो कर देता हूं। एक और कोई आसान तरीका है क्या? एक्स वन एक्स टू रूट थीटा नहीं मालूम, लेकिन रेंज भी नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चन कौन सा था, नंबर कौन सा है, 12th, 12th कौन सा लगा? A particle projected from horizontal ground with a speed 20 at a certain angle लिखा है, with horizontal, so just clear two vertical wall equal height 10, which are at a horizontal distance of 20 meters from each other, मतलब वही 20 दिया होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, find the time taken by the particle to pass between the two walls. हो गया, दो मिनट रुको, कुछ और आसान कर लिया, दो मिनट बस। मुझे यही टाइम चाहिए ना, तो या तो मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं उसी बात को, कि 20 cos theta into time t, t टाइम लगा, तो ये 20 हो गया, मतलब t की वैल्यू हो गई sec theta, t की वैल्यू हो गई sec theta, है ना, मतलब theta मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। मुझे t चाहिए, तो t is equal to sec theta हो गया, दो मिनट। अब मेरे पास दूसरा टूल क्या है, तो ये दोनों टूल है मेरे पास, यहाँ और यहाँ के बीच का, तो यहाँ और यहाँ के बीच का टूल है मेरे पास, तो ये 20 cos theta, तो ये 20 cos theta ही रहेगा, ये vy रहेगा, ठीक है, तो एक बार और वही कहानी,
वीवाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 साइन थीटा का स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इनटू 10 इनटू 10 तो वीवाई स्क्वायर इज 400 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 200 एक ये मिल गया हो गया सॉल्व हो गया तो vy स्क्वायर मिल गया मुझे 400 sin स्क्वायर थीटा माइनस 200 तो इसको ऐसा कर दे 200 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा होगा बोलो यस होगा वो जो टाइम t है वो टाइम t क्या होगा 2 इंटू वी वाई अपॉन जी होगा yes, sir. और वो टाइम है कितना sec थीटा है तो हम लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू वी वाई अपॉन जी तो यहां से मुझे मिल गया वी वाई इज 5 sec थीटा ये बात समझ आया Yes, sir. तो ये vy is 5 sec theta में vy अगर यहाँ पुट कर दिया मैंने तो एक सिंगल इक्वेशन थीटा में मिला तो थीटा मिल गया थीटा को वहां पुट किया तो t मिल गया अब केवल सॉल्व करने के बाद चलो सॉल्व कर देता तो vy 5 sec theta समझ आया तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए अब तो केवल सॉल्व करने की कहानी बच गई तो 5 मतलब 5 स्क्वायर 25 ये हो गया sec स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 200 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा हो गया तो ये कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया ना 8 तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा हो गया यहां से थीटा के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको थीटा के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्या सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखेंगे और कॉस स्क्वायर को फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे थोड़ा लेंदी काम है अदरवाइज अगर मेरे से पूछोगे तो शायद मुझे कॉमन सेंस से वैल्यू मिल जाएगी जैसे हम लोगों को कौन कौन वैल्यू पता है 0, 30, 60, 45 ये सब पता है तो एक तरीका तो है कि मैं सॉल्व करते जाऊं कॉस स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगा सॉल्व भी होता है बहुत बार किया नहीं तो एक एक करके देखो 0 डिग्री अगर पुट करो तो साइन 0 0 होता है तो sec स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा कोई मीनिंग नहीं है yes. तो 0 तो सॉल्यूशन नहीं है 30 डिग्री पुट करो साइन 30 1 by 2 तो साइन स्क्वायर 30 1 by 4 तो 2 into 1 by 4 1 by 2 minus 1 ये भी नेगेटिव हो जाएगा इसका भी कोई मतलब नहीं है यस सर अच्छा तो 0 हो गया 30 हो गया नेक्स्ट वैल्यू हम लोगों को आता है 45 डिग्री साइन 45 1 by root 2 उस केस में 0 हो जाएगा वो भी नहीं हो सकता यस सर अब बचा 60 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 60 root 3 by 2 तो साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा 3 बाई 4 हो जाएगा सर पॉजिटिव वैल्यू आएगा हाँ तो 2 इंटू 3 बाई 4 मतलब 3 बाई 2 3 बाई 2 माइनस 1 1 बाई 2 8 इंटू 1 बाई 2 4 7 6 6 4 सही है दोनों मैच कर गया थीटा 60 डिग्री यस सर है ना तो थीटा हो गया मेरा 60 डिग्री अब इस थीटा को वहां पुट कर दो तो टाइम मिल गया sec 60 कितना होगा 1 by 2 2 सेकंड होगा यस सर आंसर है 2 सेकंड यस यस सर यस सर ठीक है अच्छा तुम लोगों को लगता होगा कि सर ने ऐसे ही रैंडमली वैल्यू देख के चेक किया तो खैर ऐसा करते तो इसको लिख लो फिर एग्जैक्टली इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी दिखा देता हूं सॉल्व भी हो जाएगा क्योंकि एक ही इक्वेशन है एक ही अननोन है थीटा तो सॉल्व तो होना है लेंथी हो सकता है
थीटा 60 भी एग्जैक्टली सॉल्व करके दिखाता हूं, जरा पहले कॉपी तो कर लो एक बार। सर दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं ना इसको? दूसरा और क्या मेथड लगाओगे? इक्वेशन आप एक्चुअली लिखोगे उसमें x2 के जो दो रूट आएंगे उन दोनों के रूट के बीच का डिफरेंस 20 होगा वैसे? नहीं सर, s is equal to vt करके और एक इक्वेशन फाइंड किया फिर v square। x is equal to vt ही किया है, v कितना है 20 cos theta, तो 20 cos theta into t 20, तो t is equal to 30 theta, वही लिखा है मैंने भी। मैंने जो सबसे ऊपर इक्वेशन लिखा है वो क्या है, s is equal to vt तो है। हाँ सर, फिर वो उसका रिलेशन दिखाने के लिए v is equal to u plus at में t is equal to v by g हो जाता। क्या 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 फिर से बोलो सर। उसका रिलेशन दिखाने के लिए v is equal to u plus at में v zero और u minus gt में, तो v zero कहाँ से आया, कौन सा v zero? कौन सा v zero? v zero क्या है सर? u zero कहाँ u zero है? कौन सा u zero है, कहाँ से zero ले रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, गलती से कुछ आंसर ले आए कुछ कुछ इधर उधर करके। कहाँ जीरो है, क्या जीरो है? सब वो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? हाँ अभी कर देता हूँ मैं, इरेज करो इसको। हाँ सर, चलो इसको इरेज करता हूँ, अब ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली 60 डिग्री भी आ जाएगा कैसे देखें। इक्वेशन तो हो गया, अब बात है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर अगर सॉल्व नहीं करना है तो देखो वो भी हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 इनटू 2 sin स्क्वायर थीटा -1, याद रखना इक्वेशन कैसा बताना है। इक्वेशन था शायद sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा था तो इसको लिख देते हैं 8 sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। यस सर, हो जाएगा sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलिए। हाँ सर। तो let x is equal to cos स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वेशन ऐसा हो गया 1 by x is equal to 8 into 1 minus 2x, तो 1 is equal to 8x into 1 minus 2x होगा, तो ये हो गया 8x minus 16x square is 1, इसको इधर ले आओ, तो 16x square minus 8x plus 1 is 0, ऐसा कुछ हुआ? ये x पे क्वाड्रेटिक है, क्या हुआ? मैं यही तरीके से बोल रहा था सर, t is equal to वो v by g आपको मिला था ना, तो 1 upon cos theta is equal to 2 v by g। x क्या हो गया? क्वाड्रेटिक है, तो माइनस बी दैट इज 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64 माइनस 4ac है ना, तो 4 इनटू 16 ये भी 64 हो गया अपॉन 2a दैट इज 32, तो ये हो गया 8 अपॉन 32 दैट इज 1/4 मिला। x इज इक्वल टू 1/4 और x क्या था? cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इज 1/4 मतलब cos थीटा इज 1/2 मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं।
आगे बढ़े, अरे 6:15 हो गया। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में दो चार क्वेश्चन बच गए हैं, ये खुद से भी कर सकते हो, नहीं होगा तो बता दूंगा कभी। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक कैलकुलस, ठीक है? Yes, समझे? चलिए, yes, आज के लिए इतना ही, बाय।